कहते कि 1996 में हो कैसे क्या, तो 20 साल कैसे एग्जाम कैसे देंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय आने का अकेला पर्पस था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना था। मेरे पिताजी की भी इच्छा यही थी, विकास नेता बनेगा। हाँ मतलब नेता भी छोटा मोटा नहीं, मतलब उम्मीद तो उनकी बड़ी थी। मुख्यमंत्री बनेगा और बड़ी थी मतलब। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ओबीसी क्या होता है, एससी क्या होता है, एसटी क्या होता है। बस ये देखा कि हमारे ग्रुप के अधिकांश लोग विरोधी आंदोलन में हैं, तो हमें होना चाहिए। 16.5 की उम्र में और क्या चाहिए इंसान को कि दिल्ली आए और सड़कों पे कर्फ्यू है, आप बसों के पीछे लटक रहे हैं, शीशे तोड़ पा रहे हैं, तो ये सब तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ दोस्त आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रहा। ये आस्किंग फॉर अ फ्रेंड वाला हो गया। फर्स्ट ईयर खत्म होने से पहले ही घर में कुछ समस्या आ गई। कोई ऐसा संकट आया कि उसके बाद जो समृद्ध परिवार था वो सड़क पे आ गया। तो मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम किसी तरह से दिया और क्राइसिस परिवार के जिंदा रहने पे भी उस समय था, कुछ ऐसे संकट थे। मुझे निर्देश मिला कि इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो मैंने फिर इलेक्शन नहीं लड़ा। निर्देश विद्यार्थी परिषद की तरफ से, मतलब कुछ ऐसे लोग जो वहाँ से भी कनेक्टेड थे और कॉलेज से भी थे, सीनियर से, उन्होंने बताया कि रिस्क है लाइफ का। और ये सही भी साबित हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति को इलेक्शन लड़वाया गया उसके बाद में चाकुओं से काफ़ी मारा गया, हालांकि वो जिंदा है। और 3-4 दोस्त मेरे उस समय के, जिनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है जो इलेक्शन जीते थे उस समय। मैं 10-15 साल ऐसे दौर में रहा, स्ट्रगल सी जिंदगी में, लेकिन कभी रोया नहीं। और मैंने मान लिया था कि मैं पत्थर किस्म का इंसान हूँ, मतलब मैं सबसे ठीक से बात करता हूँ, बिहेव भी ठीक से करता हूँ, हेल्प भी करता हूँ। पर मुझे लगता था कि इमोशंस की इंटेंसिटी वैसी मेरे अंदर नहीं है जैसी किसी सामान्य व्यक्ति में होनी चाहिए, शायद फिलोसफी पढ़ के ऐसा हुआ होगा। लेकिन 3-4 साल पहले जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, तो मेरा वो जो भ्रम था टूट गया, बुरी तरह से टूट गया। मैं 7-8 दिन तक बोल ही नहीं पाया उसके बाद। ये इंटरव्यू मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा रहने वाला है, मैं थोड़ा संकोची किस्म का आदमी, पहली बार जिंदगी में पर्सनल लाइफ से बात कर रहा हूँ इस तरह से। वी आर ग्रेटफुल सर। पहले 2-3 चैनल्स की तरफ से मुझे निवेदन आया था, पर मैं संकोच में, मैंने ये कहा कि देखो मैं ना जो प्राइवेट है पर्सनल है बताना नहीं चाहता हूँ, बाकी मैं आपको रुचि नहीं होगी तो फिर कुछ मतलब है नहीं उसका। आपसे संबंध इतना अच्छा है कि मेरी इच्छा थी कि पहली बार कहीं बताऊं तो यहीं बताऊं, इसलिए थैंक यू। सौरभ और मैं पुराने परिचित हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कल शायद किसी ने बोला कि अब कॉलेज लाइफ में आप दोनों कैसे थे बताइए, तो हम कभी कॉलेज फ्रेंड्स ही रहे। गलती ये हुई कि जब मेडिकल हुआ मुझे किसी ने बता दिया कि घुटने मिलेंगे तो ही पास हो गए, तो मैं बहुत जोर से मिलाने में लगा रहा हूँ, तो मुझे मतलब टच होते हैं लेकिन ऐसा पूरी नहीं ताकत लगा के एकदम कोई मतलब मुझे लगा कि फेल ना हो जो मैंने और जोर से भिड़ा दिए घुटने। उन्होंने एक दो बार पूछा भी कितना टच होता है, मैंने कहा मतलब मैं तो कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, मैं तो और कॉन्फिडेंस में था कि देखो एकदम टच हो रहा है। और 2003 में जब लास्ट अटेम्प्ट आया, तो मैंने अपने दोस्तों से जो ISIPS से उनसे पूछा, मैंने कहा ईमानदारी से बताना मैं यहाँ सफल हूँ, और जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मुझे स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, उससे अच्छा समय कोई नहीं होता मेरे लिए जीवन में। सच में ISIPS में कुछ ऐसा दम हो कि ट्राई करना चाहिए तो बताओ, वरना मैं यहाँ खुश हूँ। मेंस मैंने बेंगलोर से दिया उस साल, और बेंगलोर से भी इस तरह से दिया कि यहाँ किसी को पता ना चले कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, जैसे आज एग्ज़ाम है, रात की फ्लाइट से जाता था, एग्ज़ाम दोनों दिए, 5 बजे खत्म हुआ, 6:30 की फ्लाइट से 9:30 बजे दिल्ली, क्योंकि सब वो पर्चा भी चेक कराने आएंगे, और दिल्ली की सड़कों पर घूमता था जानबूझ के कि देखे मैं यहीं हूँ। मुखर्जी नगर में घूमता रहता था ताकि सबको आइडिया रहे कि तो यहीं है, कहीं दिखा भी नहीं। स्काई डाइविंग मैंने वहाँ पर की अमेरिका में, बहुत शौक था मुझे करने का। तभी नई फिल्म आई थी उन दिनों जिसमें वो 3 लोग कूदे थे, हाँ तो वो देखी थी, तो मुझे लगा 3 लोग कूदे। एक वो ज़रूर बताइए जिस कव्वाली से आपके दिन की शुरुआत होती है। ये किसने बताया आपको, ये भी रिसर्च कहीं की। तो शोल जी, मैं कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि दुनिया उतनी सरल, एक आयामी, एक तरफा नहीं है जितना हम सोचते हैं। मेरा राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद के विरोध में एकदम नहीं है। पाकिस्तान बर्बाद हो जाए मैं कभी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ भारत भी आबाद रहे, पाकिस्तान भी आबाद रहे, चीन भी आबाद रहे। सिर्फ इस संयोग से कि एक व्यक्ति वहाँ पैदा हो गया इसलिए उसको मर जाना चाहिए, ऐसा राष्ट्रवाद मेरा नहीं है। तैयारी